नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। इंडिया न्यूज पंजाब और हिमाचल की टीम से आप सभी को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज देश भर में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी के साथ आपको सोलन लेके चलते हैं। सोलन से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं, वहां लोगों से वो बातचीत करेंगे और देखते हैं कि इस वक्त मार्केट में जो है क्या माहौल है। जी तमन्ना, देखिए आपको मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि किस तरह की पहले सरगर्मियाँ देखिए कि किस तरह का इस वक्त लोगों में उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग पूरी तरह से, पूरी मार्केट पूरी तरह से खचाखच भरी हुई है। और मैं आपको बताना चाहूँगा तमन्ना कि कहीं ना कहीं जैसे हम बात कर रहे थे कि हिमाचल में केवल एक पहले त्यौहार मनाया जा रहा है जिसको हम लोगों का चुनाव, जो हमारे इलेक्शंस हैं हिमाचल में वो हो रहे हैं, उसके साथ साथ दिवाली का त्यौहार जो है वो मौसम को और ज़्यादा रंगीन कर देता है। आइए मैं कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, दुकानदारों से बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरह का चुनाव के बाद और किस तरह का माहौल जो है वो आम जनता में देख रहा है, मार्केट में उत्साह कितना है, ये बात को जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह का लोगों में उत्साह जो है वो इस बार, क्योंकि काफ़ी बड़ी मंदी के बाद जो है वो आम जनता जो है दोबारा मार्केट में निकली है। 2 साल बाद जो है वो आम आदमी को दिवाली मनाने का मौका मिला है। किस तरह की मार्केट है, किस तरह की लोगों की यहाँ पर किस तरह खरीदारी हो रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के एक दुकानदार, जिनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जी विनय जी, आप ये बताइए किस तरह का माहौल जो है वो इस बार दिवाली में देखने को मिला। देखिए 2 साल बाद, कोरोना के बाद ये जो है 3रा साल है जो इस समय जो है फेस्टिवल खुला है, ये दिवाली का 3 साल बाद त्यौहार मनाया जा रहा है और बहुत ही अच्छा, मतलब आप देख रहे हैं बाजार में काफ़ी रश है और अच्छा उत्साह है लोगों में और ख़रीदारी में भी लोगों का उत्साह है और बहुत अच्छे ढंग से खरीदारी। आपको ऐसा लगता है कि मंदी का असर जो पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है वो कहीं आपको हिमाचल में या भारत में जिस तरह से सोलन की बाजार जो है क्या उसमें लग रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मंदी का बाजार तो था, ये काफ़ी टाइम से मतलब देख रहे थे हम, बहुत स्लम्प था मार्केट में और हर एक किस्म का स्लम था, चाहे वो आप दुकानदार की इलेक्ट्रॉनिक्स में ले लो या कपड़े की मार्केट में ले लो, हर एक चीज़ में बंदी थी। पर अब 3 दिन से हम देख रहे हैं बाजार में अच्छी रौनक है और लोग अच्छे ढंग से खरीदारी कर रहे हैं। जी मैं आज कोशिश करेंगे कि एक तो खरीदार जो हैं यहाँ पर इनसे ही खरीदने आए थे और किस तरह का सामान जो है वो यहाँ ले रहे हैं और लोगों का क्या, आपको क्या लगता है, पहले आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि किस तरह का लोगों में उत्साह है दिवाली को लेकर भी और जो इलेक्शन, जो चुनाव हो रहे हैं उसको देखकर आपको कैसा लगता है कि लोगों में उत्साह किस तरह का है? मेरा नाम नरेश पाल है और इंडिया न्यूज़ को दिवाली की बहुत बहुत बधाई और आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2 वर्ष बाद कोविड के जो पाबंदी थी, इस बार दिवाली हो रही है तो लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिला। पिछले 2-3 दिनों में शहर में काफ़ी रौनकें भी हैं और जो चुनावी मौसम है तो चुनावी मौसम का भी असर आप देख सकते हैं, दीपावली में कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। लोग चारों तरफ इलेक्शन को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं कि कौन कैंडिडेट जीतेगा, कौन सी पार्टी जीतेगी, कई मामले भी हैं। हालांकि मंदी का दौर अगर हम बात करें तो मंदी का सबसे ज़्यादा जो सामना करना पड़ रहा है वो पटाखा कारोबारियों को करना पड़ रहा है। जी, क्योंकि जो पटाखा कारोबारियों का कहना है कि मार्केट में जो पीछे थोक से जो पटाखे आ रहे हैं काफ़ी महंगे आ रहे हैं और यही कारण है कि पटाखा कारोबारी इस वक्त काफ़ी मंदी की मार झेल रहे हैं। अच्छा नरेश जी, अगर मैं आपको पिछले 2-3 साल या 4 साल पुरानी बात करें, उस वक्त के रेट्स में और आज के रेट्स में क्या आपको लगता है कि बहुत बड़ा डिफरेंस आया या इन्फ्लेशन रेट में कोई ज़्यादा फर्क आपको दिखा? नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं, पिछले 2-3 वर्षों में जो कीमतें हैं वो काफ़ी बढ़ी हुई है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक आइटमों की लो आप चाहे खाद्य पदार्थों की लो, इसमें कोई दो राय नहीं कि इलेक्ट्रॉनिक आइटम और खाद्य पदार्थ, कपड़े के भी काफ़ी रेट बढ़े हुए हैं पिछले 2-3 वर्षों में। हालांकि इस दौरान अगर हम सरकारी कर्मचारियों की बात करें तो उनको सरकार ने 6 पे कमीशन भी दिया है, उनकी तनख्वाह भी बढ़ी है तो परचेजिंग पावर भी बढ़ी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो गरीब तबका है उन्हें कहीं ना कहीं इस बार आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ रहा है क्योंकि उनकी परचेजिंग पावर इतनी ज़्यादा नहीं है जैसी होनी चाहिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों के अपने विचार हैं यहाँ पर, आम जनता जो है, अगर आपको थोड़ा सा, मैं कैमरामैन से कहूँगा सहयोगी से कि उधर को थोड़ा सा दिखाएं कि किस तरह का भीड़ और लोगों का उत्साह जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपने देखा होगा तमन्ना कि लोगों को भीड़ जो है पूरी मार्केट में खचाखच भरी हुई है, पूरी तरह से लोग जो हैं वो मार्केट में सरोवर होकर यहाँ पर घूमने आए हुए हैं, सामान की परचेजिंग हो रही है, खरीदारी हो रही है। जी तमन्ना जी, अनुराग आपके पीछे भी खासा भीड़ दिखाई दे रही है, लोगों में काफी उत्साह नजर आ रहा है, तो पीछे जो मौजूद लोग हैं उनसे एक बार बातचीत करने की कोशिश कीजिए कि क्या लोगों को इस दिवाली के त्योहार का महत्व पता है कि दिवाली क्यों मनाई जाती है।
हैप्पी दिवाली जी, हैप्पी दिवाली, बहुत बहुत मुबारक। इस तरह इस बार जो दिवाली का त्यौहार है किस तरह का लग रहा है? बहुत 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 अच्छा, बहुत अच्छा, बिल्कुल। आपका क्या लगता है कि पिछली महंगाई के बाद जो है, जो दो साल हमारा बंद रहा, उसके बाद लोगों में उत्साह बढ़ा है? दो साल के बाद तो अब पहली बार लोग खुल के अपनी खरीदारी कर रहे हैं और एक दूसरे को वेल विशेस दे रहे हैं जी, तो काफी चहल पहल है जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये कहूँगा कि हिमाचल में इस वक्त सोलन की अगर हम बात करें, सोलन में बहुत चहल पहल जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि सोलन जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र भी माना जाता है। यहाँ कर अगर हम बात करें, सोलन में मैक्सिमम जितने भी आरकी राजगढ़ सिरमौर जितना भी एरिया है, वो सब लोग जो है तमन्ना यहाँ पर परचेसिंग के लिए आते हैं, क्योंकि ये सेंटर हब होने की वजह से, क्योंकि चंडीगढ़ और पंजाब से ये मिलता हुआ एरिया है, तो इसलिए यहाँ पर जो कीमतें हैं, बजाय कि हम शिमला की बात करें, रामपुर बात करें, इधर राजगढ़ की बात करें, उन सभी जगह की अगर हम बात करें, उसके मुकाबले में अगर सोलन की सामान की खरीदारी बोले तो बहुत सस्ती होती है। इसलिए मैक्सिमम लोग जो हैं वो यहाँ पर सोलन में यहाँ पहुँचते हैं खरीदारी के लिए। जी तमन्ना जी अनुराग, आज दिवाली का त्यौहार है, इसके साथ ही प्रदेश में अब चुनाव भी होने वाले हैं, तो जो आपके पीछे मौजूद लोग हैं उनसे बातचीत कीजिए, दिवाली को लेकर उनसे बातचीत कीजिए, इसके साथ ही चुनाव को लेकर भी क्या अहम मुद्दे इस बार रहने वाले हैं, लोग किसे वोट देने वाले हैं, एक बार बातचीत कीजिए और देखिए कि क्या रिजल्ट सामने आता है। जी बिल्कुल, बात करना है यहाँ पे कुछ लोगों से, बात करते हैं। भैया आप कहाँ से आए हैं? लोकल हैं। किस तरह की दिवाली है, क्या लगता है, मंदी है, मार है, या खरीदारी अच्छी हो रही है, दो साल के बाद हुआ, कैसा है? ठीक है, ठीक है। कैसी है मार्केट में, कैसा लगा सामान? ठीक है, ठीक लगा जी। बिल्कुल आइए और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं, दुकानदारों से, यहाँ पर जितने भी हैं, आप ये देखिए किस तरह से लोगों का हुजूम जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से फैला हुआ है। लोग यहाँ पर, आम जनता जो है वो आ रही है, और दुकानों की भी रूप सज्जा एक बार दिखाने की बनती है कि किस तरह की सेल है और किस तरह से यहाँ पर हो रहा है। आइए कुछ एक दुकानदारों से पास चलते हैं कि किस तरह की दुकान है और किस तरह का इनका सीज़न रहता है, ये बात करते हैं। भैया नमस्कार, मैं इंडिया न्यूज़ से आपसे बात करना चाह रहा हूँ, किस तरह की इस बार जो है मौसम है, चुनावी मौसम के दौरान में जो आजकल दिवाली का सीज़न चल रहा है, कैसा सीज़न है? जी बताएं जी, भैया आप बताएं किस तरह की दुकानदारी अब जो है वो यहाँ पर रहे, क्या लगता है मंदी की बार से हटे हैं? थोड़ा सर 3 दिन से राहत है, 3 दिन से काफ़ी कस्टमर का रश भी है यहाँ पर और काफ़ी अच्छी सेल हो रही है जी, और थोड़ा सा है, आप बाजार की तरफ भी अगर अपना कैमरा घुमाएं तो वहाँ पर भी देखेंगे काफ़ी रश है बाजार के अंदर जी, 3-4 दिन से काफ़ी अच्छा यहाँ पर रिस्पॉन्स है। और ओवरऑल खरीदारी लोग कर रहे हैं? सर अब इस 3-4 दिन में जो हमारा पीछे काफ़ी अरसे से थोड़ा सा मंदी का दौर था वो काफ़ी हद तक कम, पिछले 2 साल का असर क्या इस बार भी दिखने को मिला या लोगों में उत्साह ज़्यादा दिखा? सर 3-4 दिन से उत्साह ज़्यादा है, वैसे तो उत्साह कम ही, अगर आप और से भी किसी से बात करेंगे तो आप यही पाएंगे कि जो मार्केट काफ़ी स्लो थी, स्लम था मार्केट के अंदर, मगर अभी 3-4 दिन से काफ़ी मार्केट उठी है अभी जी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह से लोगों से भी यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या नाम है भैया आपका? मनोज। मनोज जी आप कहाँ से आए हैं? ओइली। ओइली से? ओइली कितना दूर है यहाँ से सोलन से? यहाँ से है 22 किलोमीटर। 22 किलोमीटर दूर। क्या खरीदारी करने आए आप? देखते हैं जो पसंद आएगा सर। वैसे कैसा लगा दिवाली का त्योहार देखकर, आपको कैसा लग रहा है, लोगों में कैसा उत्साह है? बहुत बढ़िया है सर, बहुत बढ़िया उत्साह है। हाँ। और लोगों के चुनाव का आपको क्या लगता है, चुनाव का भी असर है आम जनता में? ठीक है, आइए कुछ एक और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। भैया आप कहाँ से आए हैं? मैं आपसे थोड़ा सा। सर राजगढ़ से। राजगढ़ से? यस सर। राजगढ़ से इतनी दूर आकर आप शॉपिंग करने आए हैं, क्या लगता है? सर बहुत उत्साह है लोगों में, जैसा कि कोविड के बाद 3 साल बाद देखो दिवाली का पर्व मनाया जा रहा है, लोगों में काफ़ी उत्साह है इस बार जी। और मैं कह रहा हूँ सबको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा मैं सबको जी। बिल्कुल, और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। आइए भैया आप बताएंगे किस तरह की, आप दुकान में काम करती हैं, दुकान में आप ये बताइए कि किस तरह का माहौल जो है वो आम जनता में आपको देखने को मिला है? सर बहुत ही हैप्पी लोग हैं सारे हर जगह, पर इस बार थोड़ी भीड़ कम है क्योंकि पिछले साल की ज़्यादा थी, इस बार अच्छा थोड़ा स्लो है, है। मार्केट किस तरह की है? मार्केट ठीक है, भीड़ है पर काम थोड़ा कम, काम कम कम है जी। बिल्कुल, तो देखा तमन्ना कई लोगों का मिला जुला सा रुझान जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर कुछ लोग दुकानदार ये कह रहे हैं कि माल जो है वो है परंतु लोगों की भीड़ ज़्यादा है, परंतु माल जो बिक रहा है वो कम बिक रहा है। कुछ एक और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ये फूल की यहाँ पर देखिए, दिवाली का मौसम है और दिवाली के लिए यहाँ पर लोग शॉपिंग करने आए हैं।
आपसे मैं थोड़ा सा जानना चाहूँगा, दिवाली का त्यौहार, पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपना नाम बताएं काइंडली, थोड़ा सा अपना नाम बताएं और किस तरह की दिवाली का त्यौहार है ये। मेरा नाम है विशाखा दुग्गल और दिवाली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये तो त्यौहार आप सभी के लिए बहुत सारी खुशियाँ और बहुत सेहत लेके आए, अच्छी सेहत। अच्छा, इस बार किस तरह का त्यौहार जो आपको क्या लग रहा है, लोगों में उत्साह है? हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा है 3 साल बाद दिवाली आज ही आई है, इस बार ही आई है तो कोविड के बाद। अच्छा, और मार्केट में काफी अच्छा लग रहा है, काफी चहल पहल है, हम तो देखने ही चहल पहल आए हैं जी। बहुत बढ़िया, तो आपने देखा तमन्ना कि किस तरह से जो है बहुत से लोग जो हैं उत्साह भरी उससे यहाँ पर सोलन मार्केट में आए हैं, आम जनता को काफी जोशो खरोश के साथ आप देखिए पूरी पूरी भीड़ जो है। मैं उधर को भी आपको दोबारा दिखाना चाहूंगा तमन्ना एक बार की किस तरह की लोगों का भीड़ और लोगों में उत्साह जो है वो किस तरह का यहाँ पर आम जनता के बीच में उत्साह है। देखिए किस तरह से शॉपिंग के लिए हर दुकान में काउंटर्स जो लगे हुए हैं और कुछ बच्चों से भी यहाँ पे बात करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के हैं। आपसे बात आप बात करेंगी किस तरह की दिवाली का त्यौहार कैसे मना रहे हो? अभी तो ऐसा कुछ आइडिया है नहीं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम अनीशा नेगी। अनीशा नेगी जी, कहाँ से आए हैं आप? सोलन से हैं? नहीं, बेसिकली किन्नौर से हूं। किन्नौर से हैं तो यहाँ पर आप पढ़ते हैं यहाँ पर? अच्छा, तो किस तरह का लग रहा है, किस तरह का उत्साह लग रहा है? उत्साह तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा क्राउड ही इतना है आज, इतना पूरा सोलन आ चुका लग रहा है यहाँ पे, इंट्रोडक्शन भी है सारे, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आपको ऐसा लगता है कि 2 साल के बाद जो है वो लोगों में, और क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल बंद था तो अब ज्यादा लोगों में क्रेज है कि मार्केट में जाएं कुछ सामान की खरीदारी करें? क्योंकि 2 साल तो कुछ हुआ नहीं था और इस साल कुछ ज्यादा ही है यहाँ पे लोग, ज्यादा है लोग ज्यादा है। तो तमन्ना देखा आपने कि किस तरह से लोगों में भारी उत्साह जो है वो मार्केट में देखने को मिल रहा है, आम जनता जो है बहुत खुश है, भीड़ पूरी तरह से खचाखच भरी हुई है, आम जनता यहाँ पर पूरी तरह से शॉपिंग और उसके लिए यहाँ पर सराबोर हो चुकी है, आम जनता यहाँ पर डटी हुई है और दिवाली का त्यौहार मना रही है। जी तमन्ना जी अनुराग, बिल्कुल आज देश भर में ही जो लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है, सोलन की हमने तस्वीरें देखी किस तरह से वहाँ लोगों का हुजूम उमड़ा है। शाम को आज लक्ष्मी पूजन गणेश पूजन किया जाएगा तो उसको लेकर आपके पास क्या जानकारी है अनुराग, किस वक्त से शुभ मुहूर्त शुरू होने वाला है? तमन्ना जी देखिए मैं आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा ये देखिए किस तरह से लोग जो हैं तमन्ना यहाँ पर शॉपिंग करके अपने गद्दे कंबल रजाएं क्योंकि सर्दियों का सीजन आने वाला है हिमाचल में, अब सर्दियाँ शुरू हो चुकी हैं और सर्दियों की वजह से जो है वो लोगों की खरीदारी जो है अब थोड़ी सी अलग हो जाती है क्योंकि गर्मियों में लोग कुछ और तरह की शॉपिंग करते हैं, सर्दियों की तैयारी जो है वो अब शुरू हो चुकी है दिवाली के बाद से और लोग जो हैं इस बार गर्म कपड़े कोट्स जैकेट्स बहुत सी शॉप जो हैं टक शॉप जो हैं वो यहाँ पर लगी हुई हैं, आम जनता यहाँ पर दुकानदार जो हैं वो अखरोट बेच रहे हैं, ड्राई फ्रूट्स बेच रहे हैं, वो देखिए किस तरह से आम जनता जो है यहाँ पर सामान के लिए खरीदारी कर रही है, शॉप्स में लोग आवाज़ें लगा लगा कर जो है वो यहाँ पर अपनी दुकानदारी कर रही हैं। अगर हम यहाँ बात करें तो मना देखिए इधर सर्दियों का जो सामान है ये भी काफ़ी बिकने को मिल रहा है, देखिए किस तरह से सर्दियों के सामान का जो लॉट है वो सारा बिक रहा है, दुकानदार आवाज़ें लगा लगा कर जो है वो आम जनता को यहाँ पर बुला रहे हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार सर्दियों की किस तरह की जो दुकानदारी है वो सर्दियों का जो सामान है वो देखिए किस तरह से यहाँ पर ये सारा सामान जो है वो बेचा जा रहा है क्योंकि जैसे ही दिवाली शुरू होती है वैसे ही सर्दियाँ जो हैं वो शुरू होती हैं। इसमें कोशिश करते हैं इन भाई से जानने के लिए, पहले आप अपना नाम बताएं और ये बताएं कि जो सर्दियों की अब शुरुआत जो है वो मानी जाती है दिवाली हिमाचल में, तो आपको किस तरह का लोगों में उत्साह देखने को मिला, किस तरह से आपको लगता है? इस बार थोड़ा धीमा है जी, पिछले मतलब कोरोना से पहले तो बहुत ज़्यादा बढ़िया होता था काम, इस बार थोड़ा धीमी गति से चल रहा है जी। अब इसमें हम कोरोना की जिम्मेवारी भी ले रहे हैं, थोड़ा नोटबंदी वगैरह का भी असर पड़ा है जी, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है जी। अच्छा मैं एक बार उत्साह कम है, अगर हम मार्केट में देखें तो मार्केट में भीड़ तो बहुत है, क्या भीड़ ज़्यादा है? थोड़ा घूमने वालों का ज़्यादा शोर शराबा है, खरीदारी कम कर रहे हैं लोग, तो आप महंगाई ज्यादा कारण है इसका, महंगाई ज्यादा कारण है बिल्कुल तमन्ना, ये बात बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना कि कहीं ना कहीं महंगाई भी जो है वो दुकानदारों की सेल पर असर डाल रही है। आम जनता जितना ये जरूर है कि दुकानों में घूमने वाले सड़कों पर घूमने वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं, परंतु अगर हम बात करें आम जनता की परचेज पावर की तो वो हो सकता है कि शायद मंदी की मार की वजह से वो कम मार्केट में सेल हो रही हो, कुछ लोगों का मिला जुला सा रुझान जो है तमन्ना वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी तमन्ना
जी अनुराग, तो जिस तरह से लोगों का कहना है, दुकानदारों का कहना है कि महंगाई इस बार प्रदेश में बढ़ गई है, इसलिए लोग खरीदारी कम कर रहे हैं, तो जो दुकानदार हैं उनका इस बार क्या कहना है कि वो किसको वोट देने वाले हैं, क्योंकि इस बार बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की सरकार के रहते वो कह रहे हैं कि प्रदेश में महंगाई बढ़ गई है, तो अब क्या वो किसी नई पार्टी को मौका देने वाले हैं? एक बार बातचीत कीजिए चुनाव को लेकर, क्योंकि चुनाव भी अब 12 नवंबर को है, बहुत ही नजदीक है। कट गई है, आवाज नहीं आ रही है जी अनुराग, आपके मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सो बता दें कि आज देश भर में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, लोगों का जो है, लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। सोलन की आपको भी तस्वीरें दिखाई जहां लोगों का काफी हुजूम उमड़ा है, घूमने फिरने के लिए लोग आए हैं, खरीदारी कर रहे हैं। वहीं दुकानदारों का कहना है कि घूमने फिरने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है और खरीदारी लोग कम कर रहे हैं, क्योंकि प्रदेश में महंगाई बढ़ चुकी है, महंगाई बढ़ने के कारण ये जो लोग हैं, लोग खरीदारी इस बार कम कर रहे हैं। पिछले बार क्योंकि कोरोना था, 2 साल कोरोना की वजह से बर्बाद हो गए, इस बार लोग मार्केट में उतरे हैं, बाजारों में उतरे हैं, लेकिन इस बार भी जो है खरीदारी कुछ बहुत अच्छी नहीं हो रही है। दुकानदारों का साफ कहना है कि इस बार महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, बीजेपी की इस बार प्रदेश में सरकार है, चुनाव भी नजदीक है, 12 नवंबर को चुनाव होने हैं, 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे और ये साफ होगा कि किसकी सरकार इस बार बनेगी। सो दुकानदारों का जो अनुराग, दुकानदारों का क्या कहना है कि उन्होंने कहा है कि साफ तौर पर महंगाई बढ़ गई है, इसलिए जी जितने लोगों से हमने बात की अभी तक हमें बड़ा मिला जुला सा रुझान जो है वो देखने को मिला है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा कह रहे हैं कि मार्केट में भीड़ तो है पर आम जनता परचेसिंग नहीं कर रही है, ये कहीं ना कहीं लोगों का कहना है। शॉप्स के जितने भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि मार्केट में लोग आए परंतु काम जो है वो कम है, क्योंकि मंदी की मार जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को महंगाई की वजह से जो है आम जनता उतनी तरह की शॉपिंग नहीं कर पा रही जितनी वो पहले आज से 2 साल पहले किया जाता था। परंतु अगर हम बात करें कोविड को, जैसे दुकानदार भी इस बात को मानते हैं कि कहीं ना कहीं इसका जो साइन है, वो कारण जो रहा है वो कहीं ना कहीं कोविड भी रहा है। वर्ल्ड ओवर अगर हम ओवरऑल वर्ल्ड वाइड बात करें तो कहीं ना कहीं महंगाई बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हिमाचल और अगर हम देश पूरे देश की बात करें, भारत में बहुत अच्छी इस वक्त स्थिति है और एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज अगर हम बात करें, लोगों की फिर भी पेइंग कैपेसिटी अभी है, परंतु फिर भी जो आम जनता जिस तरह की या दुकानदार जिस तरह का एक्सपेक्ट कर रहे थे मार्केट में, उस तरह के रुझान जो हैं वो अभी तक देखने को नहीं मिले हैं। जी तमन्ना जी अनुराग, मेरा सवाल आपसे यह है कि दुकानदारों का कहना है कि प्रदेश में महंगाई बढ़ गई है, प्रदेश में इस वक्त बीजेपी की सरकार है और इस उनका कहना है कि महंगाई बढ़ गई है इसलिए लोग ज़्यादा खरीदारी नहीं कर रहे। हमने बाजारों में देखा कितनी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा है, लेकिन बावजूद इसके खरीदारी जो है बहुत अच्छी नहीं हो रही है, तो लोगों से एक बार बातचीत कीजिए कि अब चुनाव आने वाले हैं, क्या वो किसी नई पार्टी को मौका दे सकते हैं? सो हमारी आवाज़ किसी तकनीकी खराबी से उन तक नहीं पहुंच पा रही है। बता दें कि आज देश भर में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, बहुत ही धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। पिछले 2 साल कोरोना के करके काफ़ी पाबंदियां जो है लोगों पर लगी रही, पाबंदियों के कारण लोग जो हैं बहुत ही खुले तरीके से इस त्यौहार को नहीं मना पाए, लेकिन इस बार सारे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं और लोगों में एक बार फिर से वही उत्साह देखने को मिल रहा है, लोग काफ़ी उत्साहित हैं इस त्यौहार को लेकर। सो अनुराग, मेरा सवाल आपसे ये था कि लोगों का कहना है कि बाजारों में जो लोग हैं घूमने फिरने के लिए आए हैं, लेकिन जो दुकानदार हैं उनका कहना है कि काफ़ी महंगाई बढ़ गई है जिसके कारण लोग जो हैं खरीदारी बहुत कम कर रहे हैं, इस बार दिवाली के सीज़न में भी खरीदारी इतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है, तो एक बार दुकानदारों से बातचीत कीजिए, चुनाव आने वाले हैं, चुनाव को लेकर क्या वो इस बार किसी नई पार्टी को मौका दे सकते हैं? जी बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ यहाँ के व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि किस तरह का रुझान जो है वो आम जनता में देखने को मिला है। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। मैं आपसे जानना चाहूंगा, मार्केट में तो भीड़ बहुत है पर क्या लगता है कि आम जनता खरीदारी भी कर रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो मैं सभी को, देखने वालों को दीपावली की हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। जी, हम मार्केट का जो रुझान हम देख रहे हैं धनतेरस से ही देख रहे हैं। धनतेरस के ऊपर जो हमने मार्केट का रुझान देखा, उसमें जो कपड़ा और बर्तन वाले जो लोग थे या सुनार थे, उनके पास काम काफ़ी था लेकिन उतना नहीं था जितना होता है। और दिवाली के दौरान हम देख रहे हैं जो खरीदारी हो रही है, इसमें मेरा मानना यह है कि आज से 2 साल पहले जो खरीदारी दिवाली में हुआ करती थी उसमें तकरीबन 30% का डाउन है। अच्छा, इस बार बहुत ज़्यादा यहाँ खरीदारी नहीं हो रही है, कस्टमर मार्केट में रश बहुत ज़्यादा है लेकिन खरीदारी कम है। इसकी मैं एक वजह मानता हूँ कि जो
ऑनलाइन खरीदारी है, मुझे लग रहा है कि लोग उस तरफ को ज़्यादा बढ़ गए हैं बनिस्बत की जो हमारे जो लोकल बाजार हैं इनमें से खरीदारी करने के लिए। बिल्कुल कमलना, मैं एक बार थोड़ी देर इनको रोकूंगा भी, आपको मैं एक बात को क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि आम जनता में अगर हम दुकानदारों की बात कर रहे हैं तो ये बिल्कुल सही बोली इन्होंने कि कहीं ना कहीं आम जनता को या दुकानदारों को जो मार है वो ऑनलाइन शॉपिंग की वजह से बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है। लोगों को जो भी ऑर्डर करने होते हैं वो ऑनलाइन कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो लोकल दुकानदार है उन लोगों को नहीं मिलता। क्या मुकेश जी आपको ऐसा नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सरकार की जो रेट्स बढ़े हैं या मंदी आई है या जो आपको लगता है कि कुछ ऐसी हैं कि सरकार की अनियमितताएं हैं जिसकी वजह से कहीं ऐसा हुआ है कि आम लोगों की परचेजिंग पावर कम हो गई है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत जो रेट्स तो बढ़े ही हैं वो तो आपको पता ही है। जो वर्ल्ड वाइड जो कोरोना के बाद जो मार्केट है अभी तक हमारी स्टेबल नहीं हो पाई है और रेट्स भी बढ़ ही रहे हैं, सारे वर्ल्ड के अंदर रेट बढ़े हैं चीज़ों के। लेकिन ये है कि जो खरीदारी की जो आप बात कर रहे हैं कि पावर, मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन की तरफ बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान बढ़ चुका है क्योंकि युवा जो हैं आज के दौर में घर से ही बैठकर ऑर्डर कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमें होम डिलीवरी घर पर मिल रही है इसलिए ऑनलाइन के लिए जाना चाहिए। जबकि ऑनलाइन में अभी हम पीछे भी देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी कोई कंपनीज हैं जिन्होंने बड़े बड़े टैक्स के हेराफेरियाँ की है जी। तो सरकार जो है, हमारी जो सरकार है उसको भी ऑनलाइन खरीदारी की तरफ ध्यान देना चाहिए जो कि हमारे लोगों के ऊपर इतने टैक्सेस हैं और बर्डन हैं, खर्चे हैं, तो इन लोगों के ऊपर जो टैक्स है उसकी मेरे हिसाब से उसका जो रेशो है उसको बढ़ाना चाहिए। अच्छा मुकेश जी, आप जैसे एक्टिव राजनीति में भी हैं, आप क्योंकि व्यापार मंडल के साथ काफ़ी जुड़े रहे, लोगों के साथ, आम जनता के साथ आप काफ़ी जुड़े रहते हैं, क्या लगता है इस बार की जो है हिमाचल में किस तरह का जो है चुनावी माहौल देखने को मिलेगा? नहीं, चुनावी माहौल जो हिमाचल के अंदर में है, जो अभी हम मीडिया के माध्यम से जो देख रहे हैं जी, उसमें अभी तो जिस तरह से टिकट आवंटन के बाद जो एक तरह से बहुत ज़्यादा गहमा गहमी सारे हिमाचल में फैल चुकी है जी, वो चाहे हमारी पार्टी के अंदर हो या कांग्रेस के अंदर हो जी, दोनों ही पार्टियों में इस टाइम एक तरह से बगावत जैसे उठी है, एक ज्वाला भड़क रही है जी, लेकिन उसको ठीक है, जो बड़े लीडर्स हैं दोनों ही पार्टीज के वो उसको शांत करने में लगे हैं जी, लेकिन रुझान का पता तो तभी चलेगा जब ये हमारा नॉमिनेशन वापस हो जाएंगे जी, और उसके बाद ये देखना है कि फील्ड के अंदर में कितने कैंडिडेट स्टैंड रहते हैं या कितने कैंडिडेट नहीं स्टैंड रहते। अच्छा, अगर हम दिवाली की बात करें, आपको ऐसा नहीं लगता कि लोगों में जो है उत्साह काफ़ी दिख रहा है, मार्केट में भीड़ भी है, पर दुकानदार जो हैं वो ये कह रहे हैं क्योंकि बहुत से लोगों ने ये कहा कि शॉपिंग जो है वो नहीं हो रही है? नहीं, मैं आपको पहले ही इस बात को बता चुका हूँ कि मैं तो पिछले 3 या 4 दिन से अपने बहुत सारे दुकानदारों से मिल चुका हूँ जी, उनसे मैंने फीडबैक भी लिया और खासकर जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के जो मेरे व्यापारी भाई जो सामान बेचने वाले हैं इनके पास बहुत ज़्यादा मंदा है जी। उस मंदे की वजह वही है कि उनका कहना यह है कि जो हम रेट जो यहाँ पर देते हैं जी, और उसके बाद जब ऑनलाइन पे चेक किया जाता है तो वो रेट कम होता है जी, और उस वजह से जो कस्टमर है वो ऑनलाइन की तरफ ज़्यादा जा रहा है जबकि उनको लोकल मार्केट में। देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है, जिसको जहाँ सस्ता मिलेगा वो वहीं से लेगा। क्या कारण है कि फिर आम जनता, जब दुकानदार को ये पता है कि ऑनलाइन में वो सस्ती मिल रही है तो ये लोग कैसे जो है वो महंगा बेच रहे हैं, तो वो तो कंपटीशन में खड़े ही नहीं हो पाएंगे, फिर इसमें ऑनलाइन की क्या गलती है? नहीं लगता कि वो बिल्कुल सही है कहीं ना कहीं? नहीं, देखिए आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम एक रिटेल दुकानदार हैं, अगर हम किसी एक चीज़ के 4 पीस लेते हैं तो जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ जिनके आउटलेट हैं या जो ऑनलाइन कर रहे हैं, वो जो हम 4 पीस का ऑर्डर देते हैं वो एक ट्रक का ऑर्डर देते हैं जी, तो उस पर जो सेलर है, बैकेंड सेलर जो है, हमारा मैन्युफैक्चरर जो है, वो उनमें उनको बहुत ज़्यादा बड़ी रिबेट देता है जी, जो कि रिबेट हम लोगों को नहीं मिलती। मैं आपको पहले भी कह रहा हूँ कि सरकार को कोई ना कोई पॉलिसी ऐसी बनानी चाहिए कि जो बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है जी, वहाँ से जो टैक्स पॉलिसी है जी, उसको इस तरह से एडजस्ट करना चाहिए कि ऑनलाइन और हमारी दुकानों पर उसकी लैंडिंग वैल्यू एक होनी चाहिए। तो देखा आपने तमन्ना की कितना इम्पॉर्टेंट बात है जो मुकेश जी ने अभी हमारे साथ कही कि लैंडिंग वैल्यू जो है वो बिल्कुल अलग अलग होने की वजह से आम दुकानदार जो है वो कहीं ना कहीं दो पार्टों के बीच में पिस रहा है जी। तमन्ना जी, अनुराग, बिल्कुल देखा हमने किस तरह से जो है मार्केट में लोगों का हुजूम भी उमड़ा है और वहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी उत्साहित हैं, कहीं ना कहीं जो दुकानदार हैं उनको मंदी झेलनी पड़ रही है क्योंकि ऑनलाइन के चक्कर में जो है अब लोग जो हैं फंसते नज़र आ रहे हैं। सो फिलहाल आपका शुक्रिया करेंगे अनुराग।
बता दें कि देश भर में दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है, बहुत ही धूमधाम से ये त्यौहार मनाया जा रहा है। तस्वीरें हमने सोलन की दिखाई, जहां सोलन में काफ़ी उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है, मार्केट में भी काफ़ी हुजूम लोगों का उमड़ा है, लेकिन कहीं ना कहीं महंगाई होने के कारण लोग जो हैं वो खरीदारी दुकानों से करने की बजाय ऑनलाइन करते दिखाई दे रहे हैं। बने रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल के साथ, नमस्कार।